हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर हम आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज जो रीजनिंग हमने शुरू की थी, आज उसी पर डिस्कस करेंगे और आज रीजनिंग के जो आवश्यक टॉपिक हैं उनको हम बताएंगे, और साथ ही साथ में हम बताएंगे कि किस तरह से, किस सीक्वेंस में, किस सीरीज में हमको ये चैप्टर्स को पढ़ना है। ठीक है, तो उससे पहले मैं जो भी नए दर्शक हैं, जो भी नए साथी हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो सीरीज़ है वो स्टैटिक जीके की एक सीरीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसमें आप लोग जो भी जीके के टॉपिक्स हैं, जो कि स्टैटिक जीके के टॉपिक्स होते हैं, यानी कि जो फिक्स जीके है, उन टॉपिक्स को, उन जीके और जीएस के मुख्य टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हैं। डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में उनके बारे में बताया जाता है, तो आप वहाँ से भी उन चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। हर तरह के कंपटीशन के लिए, जैसे पुलिस है, एसएससी है, रेलवे है, इन सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सीरीज है। प्लेलिस्ट से आपको ये सीरीज देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ में एक और महत्वपूर्ण सीरीज आपको देखने को मिलती है, संडे वार्ता। अब तक काफ़ी वीडियोज इसकी आ चुकी हैं, तो संडे वार्ता हर संडे को हम कोशिश करते हैं 8 बजे, सुबह 8 बजे देने की, लेकिन अभी फिलहाल से काफ़ी व्यस्तता चल रही है तो नहीं हो पाई है लगातार। लेकिन ये संडे वार्ता सीरीज में हम यूथ के ऐसे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करते हैं जिनके आंसर्स तो वो चाहते हैं, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके आंसर्स उन्हें नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को भी कवर करने वाली ये सीरीज संडे वार्ता है। इसमें सारे तरीके की जो प्रॉब्लम्स युवाओं को देखने को मिलती हैं, चाहे वो उनके एकेडमिक्स को लेकर के हों, चाहे वो उनके व्यवहार बिहेवियर को लेकर के हों, चाहे वो समाज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे कैरियर काउंसलिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और शुरू करते हैं जो हमें आज के टॉपिक में क्लियर करना है। तो रीजनिंग, जैसा कि हमने आप लोगों को पहले बेसिक्स, क्या क्या नीड्स हैं, ये सब बता दिया है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो अब कैसे कैसे और किस किस सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे, उस हिसाब से आपको मैं सूचित कर देना पहले आवश्यक समझता हूँ। आप इसी के हिसाब से एक रीजनिंग की अलग कॉपी बना लीजिएगा और लगभग इस रीजनिंग के लिए जो आवश्यक टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स को कवर करके हम कह सकते हैं कि 80-90% हमारी रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम्स क्लियर हो जाएगी। छोटे मोटे एग्जाम जैसे लेखपाल है या अन्य कोई एग्जाम्स हैं, तो उनके लिए तो लगभग सारी ही रीजनिंग कंप्लीट सी ही है। बाकी जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपका पुलिस है ना, तो अब जैसे यूपी पुलिस की बात अगर हम करें तो पुलिस के लिए थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ती है एक्स्ट्रा, तो वो ज़रूर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं आगे की बातों को। चलिए इसके आगे चलते हैं हम। स्क्रीन पर अब आपको दिख रहा होगा अनुक्रम। रीजनिंग के लिए जो आवश्यक टॉपिक हैं वो हम इसमें सीरीज में लेंगे। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा अनुक्रम। ये अनुक्रम मैंने एक तरह से, जो मेरी बुक है, जो रीजनिंग की बहुत जल्दी आपको बुक देखने को मिलेगी, उसी के लिए मैंने ये डाला है एक्चुअली। ठीक है, तो उसके आधार पर आप काम भी कर पाएंगे इजीली और देख भी पाएंगे। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो आपको जो पढ़ना चाहिए अनुक्रम में, वो है आपका सादृश्यता या एनालॉगी, इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है आपका वर्गीकरण। ठीक है, ये आपका वर्गीकरण हो गया। ठीक है, जो आपको दिख रहा है, मैं अंडरलाइन भी इस तरह से कर रहा हूँ, दिख रहा होगा। इसके बाद की अगर हम बात करें तो आपको श्रृंखला, सीरीज देखनी चाहिए। फिर इसके बाद में कोडिंग व डिकोडिंग है। फिर इसके बाद में कोडिंग व डिकोडिंग के बाद में वेन डायग्राम है, जो कि वेन आरेख के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसके बाद में मैट्रिक्स आधारित प्रश्न है। ठीक है, इनको हम लोग देखेंगे, मैट्रिक्स आधारित प्रश्न।
फिर इसके बाद में हम मिसिंग नंबर्स की बात करेंगे, लुप्त संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम गणितीय संक्रियाओं के बारे में बात करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में भी रहेंगी। मैंने कुछ जो टॉपिक्स लिए हैं वो एक्चुअली मैं कंप्लीट टॉपिक लिए हैं, उसके अंदर पार्ट्स भी फिर जब हम पढ़ा रहे होंगे तब आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में पैटर्न, कंप्लीट पैटर्न करने के लिए आएंगे, उनको हम करेंगे। इसमें विशेष रूप से डायग्राम वाले क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद की बात करें तो डाटा इंटरप्रिटेशन, काफ़ी तरह के डाटा रहते हैं उनको इंटरप्रिटेट करना, और उसके भी बेस पर आधारित कुछ क्वेश्चन। थोड़ा सा मैथमेटिकली पार्ट होता है ये, इसलिए बहुत आजकल नाउ अडेज बहुत पूछा जा रहा है एज ए रीजनिंग। दिशा और दूरी की भी बात हम करें तो दिशा और दूरी भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। इसके बाद में ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्रम एवं रैंकिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉक तो इम्पोर्टेंट है ही। फिर इसके बाद में कैलेंडर है, कैलेंडर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में फिर ब्लड रिलेशंस हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर बैठक व्यवस्था, सेटिंग अरेंजमेंट, घन और पासा, और फिर उसके बाद में इमेज, फिर वो चाहे वाटर की हो चाहे वो मिरर की हो, जल और दर्पण की प्रतिबिंब, और फिर कागज के यानी पेपर कटिंग और पेपर की फोल्डिंग। इसके बाद में फिर सबसे लास्ट में 20वां जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कथन, निष्कर्ष, तर्क एवं न्याय का रहेगा। और ये मेरी बुक का भी पार्ट है एक्चुअली, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है इसका उसी के लिए है एक्चुअली, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम इसमें मेरे ख्याल से नहीं आएगी। आपको जहाँ लगता है वहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आसानी से आप लिख सकते हैं इजीली तरीके से। कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर आप लोग बता दिया करिए। अच्छा, एक चीज़ का और मैं आप लोगों से कह देना चाह रहा हूँ कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल है कृष्णा स्टडी पॉइंट के नाम से, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम्स, कोई डाउट्स हैं तो वहाँ ज़रूर पूछ लीजिए। और टेलीग्राम चैनल पर आजकल हम करंट अफेयर्स के और रीजनिंग के आप जैसे ही पढ़ाना शुरू कर देंगे तो उसके क्वेश्चंस जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू टाइप, उनको भी हम वहाँ पूछना शुरू करेंगे ऑप्शंस के दे करके। तो आप वहाँ से अपने क्विज के रूप में उसको देख सकते हैं, खेल सकते हैं, इससे आपकी रिविज़न होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए, इससे आगे आपने सारे जो चैप्टर्स हैं वो आई होप सो कि आप लोगों ने लिख लिए होंगे। तो ये 20 चैप्टर में मैंने इन सारी चीज़ों को फिनिश करने की कोशिश की है, और निश्चित रूप से हम इन सब पर अगर काम करते हैं तो किसी भी कंपटीशन के लिए हम हर समय के लिए तैयार होंगे। तो चलिए, एक नई शुरुआत की ओर हम बढ़ चुके हैं, और काफ़ी दिनों से मैं बहुत कुछ लिख रहा था। मैं चाह रहा था कि आपको सिस्टमेटिक वे से चीज़ें मिलें, तो काफ़ी कुछ तैयार किया है आपके लिए, और ऐसे ही धीरे धीरे ही वीडियोज़ अब आपको मिलेंगी। लगातार वीडियोस नहीं आएंगी जैसे कि पहले आप आ रही थी, वो काफ़ी समय पहले काफ़ी रिकॉर्ड की हुई वीडियोस थी तो वो लगातार आपको देखने को मिल रही थी। अब रिकॉर्डेड वीडियोस लगभग समाप्त हो चुकी हैं तो इसलिए आपको देखने को नहीं मिल रही हैं। बाकी जैसे ही समय मिलता है थोड़ा सा और इस पर ध्यान लगाएंगे, और तब तक के लिए आप लोग इसी तरीके से जैसे मैंने बताया है अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा या कॉपी बना लीजिएगा। कुछ बेसिक जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको ज़रूर आप लोग तैयार कर लीजिए, जैसे कि वॉच है, क्लॉक है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए बहुत अच्छे से। और घड़ी में 3:05 कैसे बजते हैं, ये सब चीज़ें एक्चुअली में आप लोग पहले से जानते हैं होंगे तो रीजनिंग के क्वेश्चन करने में आसानी होगी। कैलेंडर है तो उसके भी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से कर लीजिए। ऐसे ही जो मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स याद करने के लिए दिए थे उनको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, अपनी तरीके से, अपनी समझ से, खुद से करने की कोशिश कीजिए, कोई ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। जो भी कहीं शॉर्टेस्ट वेज होंगे, तरीके होंगे, वो हम आपको तैयारी कराने में कराएंगे। और एक बात अच्छे से समझ लीजिए, जो भी मेरे साथ स्टडी करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, यह बात अच्छे से समझ लीजिए कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये समझ लीजिए। अगर दूर तक जाना चाहते हो, लंबी सफलता चाहते हो, तो आपको लंबे ही मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कोई तरीका नहीं है कि आप शॉर्टकट या बेईमानी करके आप लंबी सफलता हासिल कर लोगे, ओके। सो मेहनत ही सफलता की कुंजी है, इस बात को हमेशा याद रखिए। और वही हमारी चार पंक्तियाँ, युद्ध निरंतर जारी रख, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ और युद्ध निरंतर जारी रख, इन्हीं पंक्तियों के साथ एक बार पुनः
मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप आप सब लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और सफल होंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।